कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दिखाती है कि वह मुसलमानों की कितनी बड़ी खैर ख्वाह है, कितनी बड़ी हमदर्द है, कितनी बड़ी हितैषी है, पर यह सब झूठ है। कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से मुसलमानों को धोखा दिया, मुसलमानों का इस्तेमाल किया और मुसलमानों को किस तरीके से एक कूड़ेदान का शिकार किया, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कभी भी कोई गरीब पिछड़ा मुसलमान आज तक कांग्रेस पार्टी के चाहे प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, कोई भी ऐसा मुसलमान नेता उभर के आया ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मुसलमान नेता हैं, या यूं कहूं कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर के मुसलमान नेता हैं भी, वो सभी के सभी मोटा पैसा दे करके कांग्रेस पार्टी की प्रीमियम मेंबरशिप खरीद करके एक शोपीस नेता से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इन नेताओं को दिखा करके कांग्रेस पार्टी गरीब मुस्लिम लोगों के वोट बैंक को लेती है। नहीं तो क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी के जो मजबूत एक मुश्त वोट बैंक है, उसको सन 1947 से सन 2023 तक कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती देश में 70 साल तक राज करने के दौरान जिनसे आपने वोट हर बार लिए, आप उनको चाहते तो उनके लिए कुछ कर सकते थे, परंतु आपने नहीं किया। आपने ना उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया, क्योंकि अगर आप वो पढ़ लिख जाते तो आपकी चालाकियों को समझ जाते, आपकी चालाकियों को समझ जाते तो आपको वोट नहीं देते। आपने मुसलमानों के अंदर इतनी ज्यादा हीन भावता पैदा कर दी कि मुसलमान आ जा करके आपने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया कि मुसलमान बच्चे जितने थे या मुसलमान के जितने भी जवान थे, वो सारे के सारे आ जा करके मदरसे और कुछ मुट्ठी भर फिरका पसंद लोगों के आसपास ही घिरे रहे। उनको आपने कुएं का मेंढक बना दिया। मुसलमानों के लिए ना कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में, खैर हिंदुओं को तो छोड़ ही दो, मुसलमानों के लिए भी कोई स्वास्थ्य योजना नहीं थी, मुसलमानों के लिए कोई शिक्षा का योजना नहीं थी, मुसलमानों के लिए कोई रोजगार की योजना नहीं थी, और यहां तक कि मुसलमान बहन बेटियों के जो बेसिक जरूरतें होती हैं उन तक का भी ख्याल नहीं रखा गया। उल्टा कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के अंदर रूढ़िवाद को बढ़ावा दिया, पिछड़ावाद को बढ़ावा दिया, मुसलमानों के अंदर फूट डलवाई, शिया सुन्नी अहमदिया बोहरा बरेलवी इन सब के बीच में कभी एकता नहीं आने दी। इसके अलावा मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ एक डस्टबिन की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर आप निचले स्तर पे पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े हुए मुसलमान को शिक्षा देते, आज आपको भारत के अंदर एक नहीं अनेक डॉक्टर अब्दुल कलाम मिलते। परंतु मुसलमानों के लिए शिक्षा का द्वार इतना छोटा कर दिया कि वहां तक उनका पहुंच पाना ही मुश्किल कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अगर कांग्रेस पार्टी पिछले 70 साल में उनको शिक्षित करती तो आज जो भारत का मुसलमान है वो कहां पहुंचता, इसकी कोई हद नहीं थी। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ही मुसलमानों की खैर ख्वाह होती, मुसलमानों की हितैषी होती, मुसलमानों की हमदर्द होती, कई राज्यों में सन 1947 से लेकर के 2023 तक कई राज्यों के अंदर विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत के साथ आई, और ये पार्टी अगर चाहती तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बना सकती थी। 1947 से लेकर के सन 2014 तक कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत के साथ या फिर मिलीजुली सरकार के साथ केंद्र में रही, पर आज तक कांग्रेस पार्टी ने किसी मुस्लिम नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। क्यों?
अगर उनको ये डर था कि अगर मुसलमान पढ़ लिख गया, शिक्षित हो गया, तो वो कांग्रेस पार्टी की चालाकियों को समझ जाएगा, कांग्रेस पार्टी की हाथ की कठपुतली नहीं रहेगा, और तो और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट नहीं करेगा, और कांग्रेस पार्टी के लिए मुसलमान सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक ही है। धन्यवाद। जय हिंद।